खबर ही ऐसी आ रही है, ऊपर से मार्केट ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि इस साल का पहला स्टार्टअप बिजनेस और फंडिंग न्यूज़ बनाना पड़ रहा है। तो इस हफ्ते की सबसे बड़े बड़े न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टअप्स की हालत अब ऐसी हो गई है कि सीईओ को ही फायर कर दिया जा रहा है। मतलब जब स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं सब सीईओ को वाहवाही देते हैं, वो बिलियनर भी बन जाते हैं, पर जब कोई दिक्कत होती है तो सीईओ को ही कंपनी से बाहर फेंक दिया जाता है। अंकिता बोस याद है, पहली इंडियन फीमेल थी जिनका स्टार्टअप ज़िलिंगो यूनिकॉर्न बना था, अभी उनको ही फायर कर दिया गया है फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के एलिगेशन पे। चौंका देने वाली बात है कि इनका इन्वेस्टर सिक्योर कैपिटल है, जिनके साथ बताया गया कि अंकिता की अनबन हुई है, और यही सिक्योर कैपिटल भारत पे के भी इन्वेस्टर हैं, जिनका बोला था कि यार अश्लील ग्रोवर के साथ सही रिलेशन नहीं थे। अब अंकिता का तो बोलना है कि यार उनके साथ गलत हुआ है, जबरदस्ती उनको बाहर निकाला गया है और उनको अपना साइड प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला है। पर क्या आपको नहीं लगता कि यार जब ऐसे इरेगुलरिटीज बाहर आते हैं तो इन्वेस्टर्स पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, क्योंकि वो भी कंपनी के बोर्ड में बैठे होते हैं, तो उनको भी आइडिया होगा ना कि फाइनेंसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक दिन पहले तो उनको पता नहीं चला होगा। आपके क्या ओपिनियन से कमेंट्स बताओ। और अंकिता के केस में तो ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि अंकिता ज़िलिंगो से पहले सिक्योर कैपिटल में ही काम करती थी। बट क्या आपको लगता है अंकिता और ज़िलिंगो कमबैक कर पाएंगे, वो भी कमेंट्स में बता दो। जो लोग बोलते हैं ना कि स्टार्टअप्स की नौकरी बेस्ट होती है, मतलब फ्रीडम भी मिलता है, सैलरी भी मिलता है और उसके ऊपर ईसॉप्स भी मिलते हैं, अब उनकी हालत टाइट होने वाली है क्योंकि मार्केट काफी गिर गया है तो स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल नहीं रही। तो अब इन्वेस्टर्स ने भी फाउंडर्स को बोल दिया है कि भैया अब तो थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो जाओ। तो खर्चे कम करने का सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है कि एम्प्लॉयज को फायर कर दो। और इसी हफ्ते कार्स 24 ने 600 एम्प्लॉयज को बाहर किया है, वेदांतु ने 400 एम्प्लॉयज को फायर किया है, और इससे पहले अनअकैडमी, मीशो, ओके क्रेडिट, ट्रेल, कई सारे स्टार्टअप्स ने फायर किया है। लीडो लर्निंग तो डूब ही गया है। तो पिछले 1-2 साल से जो एम्प्लॉयज को जबरदस्त सैलरी मिल रही थी ना, वो अब काफी हद तक कम हो जाएगी और एक्चुअल में स्टार्टअप्स को सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा। देखो यार, इंडिया में 100 यूनिकॉर्न्स तो हो गए, आपको लग रहा होगा कि और 100-200 यूनिकॉर्न्स आ गए, पूरी इकॉनमी बढ़ जाएगी, इंडिया 5 ट्रिलियन के 6-7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। नितिन कामत जो कि कोफाउंडर है जीरोधा के, उन्होंने बोला अजी घंटा, क्योंकि उनके हिसाब से जो B2C टेक स्टार्टअप्स है ना, उनका इंडिया में ऑडियंस सिर्फ 15 करोड़ का है। पॉपुलेशन 140 करोड़ है, बट ये जो स्टार्टअप्स की सर्विसेज, ये 15 करोड़ लोग ही यूज़ कर पाएंगे। इसका उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि इंडिया में सिर्फ 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स फाइल करते हैं जिनकी इनकम 5 लाख से कम है। अब उन्होंने बोला कि यार मान लो और 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी भी इनकम ऐसी होगी पर वो टैक्स फाइल नहीं करते, तो मैक्सिमम तो यार 10 करोड़ लोग ही हुए ना। और इस पर उन्होंने बोला कि मान लो मैं 50% भी गलत हूँ तो तब भी 15 करोड़ ही तो लोग हुए हैं। और वैसे उन्होंने फिनटेक सेक्टर का भी एग्जाम्पल दिया कि यार अभी इंडिया में 9 करोड़ डीमैट अकाउंट है जो कि 6% है इंडिया की पॉपुलेशन की, तो लोगों को लग रहा है कि डेवलप्ड कंट्री में जैसे 25% लोगों के पास डीमैट अकाउंट होता है, वैसे इंडिया में करीब 40 करोड़ लोगों के पास इवेंचुअली डीमैट अकाउंट बनेगा, तो पोटेंशियल मार्केट इतनी बड़ी है। बट फिर उन्होंने बताया कि सिर्फ 6 करोड़ यूनिक डीमैट अकाउंट है और इनमें से सिर्फ 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी स्टॉक होल्डिंग 10,000 रुपये से ज़्यादा है। और वैसे उन्होंने बोला कि यार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी 3 करोड़ ऐसे यूनिक लोग हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि यार जब मार्केट बुल रन में था, हर जगह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इतना ज़्यादा प्रमोट किया, इतने ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए गए, तब भी इतने कम लोग ही अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि यार मार्केट ही इतनी बड़ी नहीं होगी। और उनका इसीलिए कहना था कि यार अगर हम एक्चुअल में चाहते हैं कि यार देश बढ़े, तो हमको फोकस करना चाहिए कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोटे छोटे प्रॉफिटेबल बिजनेस करें, ताकि इन बिजनेसेस के साथ इनके एम्प्लॉयज भी आगे बढ़ पाएं और तभी एक्चुअल में इंडिया आगे बढ़ पाएगा। क्या आपको लगता है कि नितिन कामत की एनालिसिस सही है, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बता देना। अच्छा, अभी मार्केट डाउन है, पर क्या आपको पता है कि रिसेशन के टाइम में सबसे ज़बरदस्त कंपनीज बनती हैं। और चाहे आप अपना स्टार्टअप खोल रहे हो या पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, एक वेबसाइट तो ज़रूरी है और उसके लिए आपको अच्छी होस्टिंग सर्विस भी लेना पड़ेगा। तो बढ़िया होस्टिंग के लिए मैं आप सबको इस वीडियो के हमारे पार्टनर होस्टिंगर रेकमेंड करूंगा, जिनका प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है पर फीचर्स बिल्कुल ज़बरदस्त है। मुंबई में उन्होंने डेटा सेंटर खोल दिया है तो अप टाइम काफ़ी बढ़िया रहता है, और अभी उनका सुपर सेल सीजन चल रहा है जिसमें आपको 149 रुपीज़ पर मंथ में होस्टिंग तो मिलेगा, उसके अलावा फ्री डोमेन, लाइफ टाइम SSL और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। पर ये प्राइस तभी एप्लीकेबल होगा जब आप 4 साल का प्लान लेंगे। वैसे अगर आप ले रहे हो मिनिमम 12 महीने का प्लान तो ले ही लेना। और तो और इनका सिंगल वेब होस्टिंग प्लान 69 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होगा अगर आप 4 साल का प्लान लेते हो। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको इसके ऊपर और डिस्काउंट चाहिए तो हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हो तो इनका कस्टमर सर्विस तो 24/7 है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आजकल ओला या उबर में कैब बुक करने के बाद ड्राइवर को कॉल करके बताना पड़ता है कि यार ड्रॉप लोकेशन कहाँ है, फिर समझाना पड़ता है कि यार हम आपको कैश में पे करेंगे, उसके बाद भी आधे बार ही कैंसिल कर देते हैं,
तो 3-4 बार कैंसिल होने के बाद आप भी बोलते हो कि भैया यार मुझे प्लीज़ पहुँचा दे जगह पे, मेरे से प्रॉपर्टी पेपर भी ले लियो। तो अब उबर ने बोला यार ये सारी चीज़ें हम ड्राइवर को पहले ही बता देंगे, क्या आपका ड्रॉप लोकेशन कहाँ है, आप कैश में पे कर रहे हो या ऑनलाइन पे कर रहे हो। और उन्होंने बोला कि यार हम अपने रेट्स भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल का प्राइस तो आसमान छू रहा है। तो अब इन स्टेप्स के बाद क्या आपको लगता है कि ड्राइवर्स कम कैब्स कैंसिल करेंगे या फिर क्योंकि उनको पहले से ड्रॉप लोकेशन पता चल जाएगा तो कॉल पे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही कैंसिल कर देंगे? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता देना। जब यार जेट एयरवेज बंद हुआ था ना, मुझे दुख हुआ था क्योंकि यार उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी थी, बट अब फाइनली 3 साल बाद वापस वो कॉम्पिटिशन में आने वाले क्योंकि DGCA से अब अप्रूवल मिल गया जेट एयरवेज को अपने फ्लाइट स्टार्ट करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह कि यार अभी अगर आपको फ्लाइट लेनी है मेनली दो ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो इंडिगो या फिर टाटा की एयरलाइंस जो कि या तो एयर इंडिया, एयर एशिया या विस्तारा होगी। पर अब क्योंकि जेट एयरवेज को नए इन्वेस्टर्स मिल गए हैं, होपफुली साल के एंड तक वो अपने फ्लाइट शुरू कर देंगे। और आपको क्या लगता है कि क्या वो फिर से वही फुल सर्विस एयरलाइन शुरू करेंगे या लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू करेंगे, कमेंट्स में बता देना। अब थोड़ा फंडिंग न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे स्टार्ट पीयूष बंसल का लेंसकार्ट का वैल्यूएशन तो आपको पता ही है 4 बिलियन के ऊपर है, पर अब लग रहा है कि उनका एक और स्टार्टअप भी एक साल में यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो बेसिकली लेंसकार्ट का सब्सिडियरी नेसो ब्रांड्स ने अपने पहले फंडिंग राउंड में 100 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है। अब इस फंडिंग से वो ग्लोबली आईवेयर ब्रांड्स में इन्वेस्ट करेंगे और फिर ये सारे जो ब्रांड्स हैं वो लेंसकार्ट का टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस ये सारा यूज करके स्केल करेंगे। अब देखते हैं कि यार नेसो ब्रांड्स कब तक यूनिकॉर्न बन पाता है। वैसे आपके हिसाब से सबसे अमीर शाह कौन है नेटवर्क के हिसाब से, कमेंट्स में बता देना। अब आजकल हमें सारा सामान एक दिन आधे दिन में आगे चल के हम सिर्फ सोचेंगे और तब तक डिलीवर हो जाएगा, उस स्पीड में डिलीवरी चाहिए। अब इसके लिए आपके वेयरहाउस में ऑटोमेशन होना चाहिए ताकि जल्दी से सॉर्टिंग होकर पैकिंग हो पाए। तो वेयरहाउस रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन स्टार्टअप ग्री ऑरेंज ने $110 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है और उनका प्लान है कि वो अपने टेक को और इम्प्रूव करें ताकि और जल्दी डिलीवरी हो पाए और दूसरे मार्केट में भी एक्सपैंड कर पाए। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस और फंडिंग न्यूज़। बाकी होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज़ करना मत भूलना। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।